जहाँ पे उनके टीममेट्स उनका इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे टीएसएम एंटिटी की अगर बात करें तो पीटी के प्लेयर्स को इन लोगों ने स्पॉट आउट कर लिया। क्लच शॉट एक के बाद एक क्लिप चेंज करके स्प्रे पे स्प्रे करे जा रहे हैं और उन्होंने तीन प्लेयर्स को नॉकडाउन कर दिया। एक और प्लेयर बचे आखिरी पीटी के और ये शॉट कनेक्ट होता हुआ। आई मीन किल सिक्योर करना और टीम्स को पिक ऑफ करना कोई इनसे सीखे। आई मीन एंटिटी तो आई डोंट थिंक सर्कल के अंदर कभी आ सकते हो, बट क्लच गॉड देखिए एक स्क्वाड को उनको वाइप उन्होंने जरूर कर दिया, बट उनकी भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। आईएनएस के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट जरूर किया, आई थिंक वो रिच के पीछे या फिर ओपन में मुझे समझ नहीं आ रहा, बट लेट मी सी थोड़ा और अगर आगे गेम जाएगा तो पता चल जाएगा। बट क्लच गॉड यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स के ऊपर नॉक कर लास्ट मोमेंट में यहाँ पे शॉट्स भी कनेक्ट कर दिया उन्होंने और नेक्स्ट जेन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी काफी ज्यादा दिक्कत में। फिलहाल क्लच गॉड ने नाइटविंग को नॉक किया था, इनर्शिया ईस्पोर्ट्स आईएनएस भी हो चुके गेम से बाहर। जी एक और टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो, पहली बार इस टीम को ऐसा देख रहा हूँ कि एक पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, निकल नहीं रहे, ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहे। एक नई एंटिटी आप बोल सकते हो यहाँ पे टीएसएम के प्लेयर्स बन चुके। बट अगर सोचिए जोनाथन ना वापस से आ जाए यहाँ पे ये लाइनअप किए तो क्या हालत होगा, क्या हश्र होगा। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 7 किल्स निकाल रखे हैं, 10 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। आई थिंक वी कैन हेड आउट फॉर अ गुड चिकन डिनर कमिंग इन द फेवर ऑफ टीएसएम एंटिटी। बट उससे पहले उनको टीम पोर्टल ईस्पोर्ट्स के साथ भी जुलझना पड़ेगा। गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स अभी भी जिंदा है, शायद बैकस्टैब भी कर सकते हैं जॉनी। जी हाँ आई थिंक पोर्टल ईस्पोर्ट्स और टीएसएम एंटिटी ही हमारी टॉप टीम्स के लिए कंटेंट करती हुई नजर आएगी। दोनों के दोनों मैचेस में दोनों टीम्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। देखिए नेक्स्ट जेन एलिमिनेट हो जाती है, तीन टीम्स यहाँ पे इस मैच के अंदर बची है। सेल्स की टीम भी यहाँ पे हमारे जो पीएमपीएल साउथ एशिया के चैंपियंस है वो भी मौजूद है इस फाइट के अंदर। मयूर पोर्टल ईस्पोर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा केयर बरसा रहे थे और अल्ट्रॉन का नेट जाता हुआ टीएसएम के ऊपर आएगा। जी गॉड उस नेट की वजह से बाहर होते हैं इस मैच से। सेल्स दो प्लेयर्स के स्क्वाड के साथ बची है, टीएसएम यहाँ पे सैंडविच हो सकती है बट सेल्स के अब दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि क्लच गॉड पहले पोर्टल ईस्पोर्ट्स को खत्म किया और अब सीधा घूम के सेल्स के ऊपर चार्जिंग करते हुए हमको नजर आ रहे हैं ये दोनों टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स। रॉक्स के पास उनका आर्मर बचा है बट इनके पास एक भी फर्स्ट एड नहीं है तो इनको हील अप करने के लिए जल्दी कुछ ढूंढना होगा। आई थिंक उनको एक फर्स्ट एड मिल तो चुका है। यस एब्सोल्युटली, अल्ट्रॉन ने अपनी एक फर्स्ट एड ड्रॉप जरूर कर दी बट टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स के पास यूटिलिटीज बहुत सारी है। चिप डैमेज यहां पे पड़ा अल्ट्रॉन को ऑलमोस्ट 50% एचपी पे आ गए, रॉक्स यहां पे 75% एचपी पे जिंदा है। तो अगर एचपी एडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली टीएसएम एंटिटी के पास ही फेवर करेगा। बट क्लच गॉड देखिए बहुत ही अच्छा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लॉन्ग रोटेशन जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी मार चुके हैं और यहां पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स को आइडिया तक नहीं था और क्लच गॉड ने इसका फायदा भी उठा दिया। अल्ट्रॉन को नॉक किया, रॉक्स यहां पे ग्रेनेड कुक करके फेंकने की कोशिश करेंगे बट अल्ट्रॉन उसको भी डॉच कर, आई थिंक क्लच गॉड उसको भी डॉच करने वाले हैं और इसी के साथ अभी इनको पश कर लेना ही चाहिए। यहां पे आई थिंक कंटेनर्स के अराउंड प्ले अराउंड करने की कोशिश, अल्ट्रॉन को स्पॉट किया, अल्ट्रॉन को फिनिश तो नहीं किया बट अभी भी रॉक्स डटे हुए हैं अपने टीम के आईजीएल, हमने इनको पास में भी देखा है अच्छा खासा क्लच निकाल भी सकते हैं बट जिस हिसाब से यहां पे प्लेयर्स पुशिंग कर रहे हैं आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल आफ्टर ऑल। जी हाँ बट आई लाइक वो क्लच गॉड जिस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे मूव इन कर रहे हैं। आई मीन आपने एक फ्रेज तो सुना ही होगा कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो वो रिस्क यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं सेल्स के अगेंस्ट। रॉक्स जाएंगे मयूर को टेक डाउन किया देगा, यही चीज की हम बात कर रहे थे। अब किल पॉइंट यहाँ पे सिक्योर करेंगे इंस्टेंटली रॉक्स। क्लच गॉड अभी भी पीछे ही बैकलाइन में मौजूद है, अगर रॉक्स को यहाँ पे फर्स्ट एड मिल गया तो क्लच गॉड के लिए दिक्कतें हो सकती है। अगर वो फर्स्ट एड यूज करके रीफाइट लेने की कोशिश करें, रीएंगेज करने की कोशिश करें, देयर इट इज, हेल्थ वापस आ चुकी है 75% पे, अल्ट्रॉन वहां पे फिनिश होंगे। रॉक्स एक एम पे स्विच करते हैं, क्लच गॉड के हाथ में जो वेपन है उसको यूज करने के लिए उनको थोड़ा करीब तो यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। शॉटगन बिल्कुल क्लोज रेंज पे डेडली हो सकती है बट पास पहुंचने में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। साउंड क्यूज यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यूटिलिटी यूजेज भी। आपके पास अगर एक नेट है प्लीज नेट का इस्तेमाल कीजिए, शॉटगन इस रेंज पे उतना अच्छा काम नहीं कर सकती बट थोड़ा और करीब आते हैं और रॉक्स और उसी के साथ यहाँ पे क्लच गॉड ने वेपन स्विच किया, सेल्स को एलिमिनेट किया और टीएसएम ले जाती है सैनो के पहले गेम के अंदर ये चिकन डिनर।